कोटड़ा मिलन मेले में मोताना को बढ़ावा नहीं देने के लिए डीवाईएसपी ने दिलाई सभी को शपथ। मेले में पांडरवा, देवला, कोटड़ा, मामेर, पिंडवाड़ा के कई आगेवान पुरुषों को पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने शपथ दिलवाई, जिसमें उन्होंने मोताना और समाज को तोड़ने वाले रिवाजों में भाग नहीं लेने, अन्य जन को भी इससे दूर रहने की बात कही। साथ ही हमारे संविधान में किस प्रकार जुर्म करने वाले के लिए सजा का प्रावधान है, हमें उनमें विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने शिक्षा दिलवाने पर भी जोर दिया। यहाँ भूपेंद्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक कोटड़ा मिलन मेले में शरीक होने के लिए आए थे, जहाँ पर मोताने पर हुई परिचर्चा में यहाँ पर लोगों से मोताने पर किस तरह का बेर वसूला जाता है, जिस पर की गई चर्चा के साथ ही यहाँ पर लोगों के सुझाव भी लिए, जिसमें कई बातें सामने आई, जिसमें लोगों को शपथ दिलाई गई कि मोताने जैसे कोई भी मामले में शरीक नहीं होंगे। हाथ ऐसे करो, हाथ आगे करो, आज हम सभी भाई बंधु, आज हम सभी भाई बंधु, आज हम सब भाई बंधु, आज हम सब भाई बंधु एक मंच के नीचे खड़े होकर प्रतिज्ञा ले रहे हैं, एक मंच के नीचे खड़े होकर प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मोताना जैसी किसी भी गतिविधि में न तो शामिल होंगे, न कोई सहयोग करेंगे, इसको बंद करने में प्रशासन और पुलिस का हर समय सहयोग करेंगे। आज आदिवासी विकास मंच और आस्था संस्थान की तरफ से 27वां आदिवासी मिलन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी विकास मंच आस्था संस्थान माननीय जिला रिश्त अधिकारी महोदय और कोटड़ा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र के सभी आदिवासी भाई बहन और नौजवान उपस्थित हुए। उस कार्यक्रम में समाज में चल रही कुप्रथाओं जैसे मृत्युभोज की प्रथा, बच्चों को छोटी सी उम्र में ही बाल श्रम के लिए दूसरी जगह भेज देना या उनसे घर पर काम करवाना, स्कूल में कम भेजने की परंपरा, इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए उनसे समझाइश की गई, सबके आम जन का सहयोग लेने के लिए उनसे अपील की गई। और इस क्षेत्र में चल रही मोताना कुप्रथा, जिसमें किसी की मृत्यु होने के ऊपर उस मृत्यु के लिए पैसों की मांग की जाती है, उसको बंद करने के लिए और उसमें प्रशासन और पुलिस का उसको बंद करवाने में सहयोग करने के लिए सभी उपस्थित ग्रामीण जनों से शपथ दिलवाई गई और सभी ने खुशी खुशी इसको बंद करने के लिए अपनी सहमति जाहिर की।